तो कैसे हो दोस्तों ठीक हो तो चलिए आज मैं रेसिपी में लेके आई हूँ सूजी और बेसन का बहुत ही टेस्टी हलवा तो जिसमें मैंने सूजी थोड़ा सा लिया है और बेसन ज़्यादा मात्रा में है तो चलिए इस बनाना शुरू करते हैं तो मैंने ड्राई फ्रूट लिया है बादाम किशमिश और थोड़ा सा कढ़ाई में घी एड करने के बाद उसको अच्छे से भून लूँगी इसके बाद ड्राई फ्रूट को मैंने निकाल दिया है फिर थोड़ी कढ़ाई में थोड़ा सा और मैंने घी एड किया और अपना बेसन ऐड किया जब बेसन हमारा अच्छे से भून जाएगा बेसन खुशबू आने लगेगी तो मैं थोड़ा सा मैंने सूजी ऐड किया है और सूजी को भी अच्छे से भूनेंगे तो सूजी भी अच्छे से भून जाएगी तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँ ज़्यादा नहीं थोड़ा पानी ऐड करना है इसके बाद इसमें साथ दूध ऐड करूँगी तो दूध ऐड करने के बाद अच्छे से इसको चला लेना हमें तो जब अच्छे से मिल जाएगा तो इसमें हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे तो शक्कर आप स्वादी से एड कर सकते हैं जब अच्छे से पक जाएगा तो इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे पकाने के बाद अपना जो ड्राई फ्रूट है आप उसको ऐड करेंगे आप ड्राई फ्रूट फ्रेंड आप जो पसंद है सब डाल सकते हैं इसके बाद हलवा को अच्छे से पका लेंगे जब अच्छा सूखा सूखा हो जाएगा तब इसको हम गैस को बंद करके अच्छे से हलवा को निकाल लेंगे तो बहुत देखने में ऐसा लगता है पर खाने बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी बनता है तो ऊपर से ड्राई फ्रूट साइड डेकोरेट कर देंगे फ्रेंड अगर आप लोगों की रेसिपी थोड़ी सी अच्छी लगती है तो सपोर्ट करिए और लाइक करिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए